दरियाल साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि अनादि महादेव भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता श्री वेद व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान हम संतों के राजा श्री श्री अनंत श्री राजा राम जी महाराज, वे उन्हीं के कृपा पात्र श्री श्री कृपा राम जी महाराज दोनों को प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मंच पर विराजमान सब संतों को प्रणाम करता हूँ, कलाकार बंधुओं को वंदन करता हूँ। मेरे सामने विराजमान आप सभी संत प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, गौ माता प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आप सबने गणो गणो राम राम। दोनों हाथ खड़ा करके बोलो राम राम, जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। ये भी एक उपासना है। ये आशिक मस्त फकीरी के दुनिया से मोहब्बत कम करते, आशिक की तो देह की सुध भी पर हरते, पारस पास पड़ा जिनके ने चांदी का क्या करना, जब चाहे तब सोना है तो खजाना भर के क्या करना। सतगुरु ही पारस है, वो जो लोहा को सोना कर देता है। और वर्तमान समय में अगर गुरु और शिष्य की परंपरा को हम निर्वाह करते हैं, हमारे जीता जागता उदाहरण कृपा राम जी महाराज और राजा राम जी महाराज यहां विराजमान। ऐसे वितराग और वैराग, रामा अनुराग, और ऐसा लगता है सादगी का जो जीवन है, सहजता का जीवन है, जो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, वाणी कहती है सहजे सहजे होएगा जे कुछ रचिया राम, काहे को कल्पे मरे दुखी होत बेकाम। संत दादू कहते हैं दुखी क्यों होते हो, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ। और सरल होना ही थोड़ा कठिन है, जितने सरल होते चले जाएंगे उतनी ही तुम्हारी उपासना बढ़ती चली जाएगी। और ये सरलता जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन में कठिनाइयां बनी रहेगी।
चिंतन नहीं होगा, चिंता होनी शुरू हो जाएगी। और चिंतन करना है तो चिंता को छोड़ो और चिंतन करो, जो अभी हमें उपासना में पता चला। जैसे ही कृपाराम जी ने कहा कि 5 मिनट पूरे आपको आंख बंद करके बैठा रहना है, कभी जो बैठा नहीं ना उसको तो लगा होगा ये 5 मिनट 5 वर्ष के बराबर लगे, सत्य मानना। और जो बैठा है ना उसको नहीं लगता, नहीं तो 5 मिनट में कुछ न कुछ हलचल शुरू हो जाती है। मन 5 सेकंड स्थिर नहीं रहता, 5 मिनट रखना ये कोई साधु ही रख सकता है जो साधना से परिपक्व हो। और वो लगता है दोनों गुरु शिष्य राजा राम जी महाराज और कृपा राम जी महाराज जी अपने मन को 5 मिनट के लिए स्थिर कर। और ये जो मन को स्थिर कर ले वो हमारे मन को भी स्थिर कर सकते हैं। और असली साधना उपासना यही है कि मौनम सर्व साधनम, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। हमारे भूरी बाईसा श्री नाथ द्वारा में उनकी कुटिया है, वो उनकी समाधि पे लिखा है चुप, सिर्फ मौन रहो, बोलना नहीं, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। और जो जो तुम बोलते हो वो तुम्हारा नहीं है, तुम सुना सुनाया बोलते हो या पढ़ा पढ़ाया बोलते हो, तुम्हारा क्या है? जब तुम मौन होगे तो तब भीतर से बाहर आएगा कि तुम्हारा, तुम कौन हो। पहले अपने आप की खबर लगने लगेगी कि मैं कौन हूं। संतो कहीं आवे कहीं जाए बोले जाए की खबर कर अपनी, यही उपासना है। आज आपकी उपासना में बैठने पर ऐसा महसूस हुआ, ऐसी अनुभूति हुई। आइए मैं आपको सबको प्रणाम करते हुए सत्संग से जुड़ूं, उससे पूर्व 2 मिनट मेरे साथ थोड़ा गाएं। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, और हल्का हल्का सुरूर है ये, तेरी नजर का कसूर है जो मुझे दीवाना बना दिया, राम नाम लेना सिखा दिया, गौ सेवा में लगा दिया। हल्का हल्का रघुपति राघव राजा राम, रघुपति पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा, रघुपति पतित पाव सीताराम, पतित पाव सीताराम। सामने ऑडियंस की आवाज आनी चाहिए, मैं देखता हूं आप माताएं कोई भी नहीं बोले, सिर्फ भाई लोग बोलेंगे। माताएं कोई भी नहीं बोले, भाई लोग बोलेंगे। रघुपति राघव राजा राम, अब आप चुप रहे, माताएं बोले। पतित पावन सीताराम, देखा ना बराबर आवाज आ रही है। अच्छा आदमियों के क्या होता है कि कंपटीशन होता है तब तो ये बोल लेते हैं, लगता है कि अगला नंबर अपना ही आने वाला है, तो इन्हें थोड़ी ताकत लगाई बोलने में। आइए अब दोनों मिलकर के एक साथ बोलेंगे, माताएं भी बोलेंगी भाई लोग भी बोलेंगे।
रघुपति राघव राजा राम। ताली के साथ महाराज की। वेद लक्षणा गौ माता की, संत प्रवर दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव साहेब की, दादू राम। मैं बोलूंगा दादू राम, आपको बोलने का सतराम। दादू राम, दादू राम, हर हर, हर हर, हर हर। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार, निर्धन धनवत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। दादू सतगुरु सहज में किया बहु उपकार, निर्धन धनवत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। सतगुरु सु सहज मिला, लिया कंठ लगा, दया भई दयाल की तो दीपक दिया जगा। मारा सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया। सतगुरु आंगन आया, मैं गंगा गोमती नाया, मारी निर्मल हो की काया, मारी दाऊरे, मारी निर्मल हो की काया, मारी दाऊरे।
मारा सतगुरु आंगन आया मैं बारी जाऊं, मारा सतगुरु आंगन आया सतगुरु दर्शन दीना भाग्य उदय कर दीना, सतगुरु दर्शन दीना भाग्य उदय कर दीना, ये भरम करम सब छीना मैं वारी जाऊं, भरम करम सब छीना मैं वारी जाऊं रे। सब सखिया मिल हालो के सरदा तिलक लगा लो, मैं गणा हेत सुगावा बदावो वारी जाऊं रे, मैं गणा हेत सुगावा बदावो वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरां बलियारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे गुरां बलियारी जाऊं रे, मार सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं, सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे।
सत्संग बन गयो भारी, मंगलाचार उचारी। सत्संग बन गयो भारी, मंगलाचार उचारी। या खुली हिरदा की तारी मैं वारी जाऊं रे, या खुली हिरदा की तारी मैं वारी जाऊं रे। वारी जाऊं रे पूरा, वारी जाऊं रे हो, वारी जाऊं रे पूरा बल हारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। डिमांड नहीं है, बस इनको दो वक्त की रोटी और दाल यही हमसे आशा करती है। किसी के बहू ने उनको निकाल दिया, किसी के पुत्र ने उनको निकाल दिया, कई लोग इन माताओं को वृंदावन के दर्शन के लिए लेके आते हैं। डिमांड नहीं है, बस इनको दो वक्त की रोटी और दाल यही हमसे आशा बहू ने उनको निकाल दिया, किसी के पुत्र ने उनको निकाल दिया, कई लोग इन माताओं को वृंदावन के दर्शन के लिए लेके आते हैं। अरे वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे।
भारत माता की, गौ माता की, श्री गुरु महाराज की। कबीर खड़ा बाजार में सबकी पूछत खेर, ना काहूं से दोस्ती तो ना काहूं से बेर। कबीर 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 कहे कमाल को तो बातां सीख ले, कर साहिब की बंदगी भूखा ने अन्न दे। फिकर सबका खात है, ये फिकर सबका पीर, फिकर का फाका करे ताको नाम फकीर। जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नहीं अमीरी में, मन लगो मेरो यार फकीरी, मन लगो मन लगो मेरो यार फकीरी, मन लगो मेरो यार फकीरी।
मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। सुनो भाई
मन लाग्यो मेरो यार फकीर, मन लाग्यो मेरो राम फकीर। आइए महादेव को याद करूं। भगवान शिव, पूर्णिमा के बाद श्रावण मास लगने वाला है और श्रावण में महादेव कैलाश को छोड़ करके इस भारत भूमि पर प्रकट होते हैं और श्रावण मास में महादेव की उपासना करने वाले जो सेवक हैं महादेव को व्यापक कर देते हैं और इस भारत भूमि का कंकर कंकर शंकर बन जाता है और कावड़ यात्राएं प्रारंभ हो जाती है और महादेव इस भारत भूमि में
विचरण करते हैं। शिव समान दाता नहीं, ये विपुत विडरण हो, अब लज्ज मोरी राखियो भोलेनाथ। ए नांदी के अश्वा, गुरु कृपा गौशाला में हम सब गौ माता के बीच में सत्संग श्रवण कर रहे हैं और महादेव को याद कर रहे हैं। पर इस सत्संग के माध्यम से छोटी सी बात कहूंगा गुरु कृपा गौशाला में कि हम सब महादेव की उपासना करते हैं, बीच में कृष्ण की उपासना करते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण की जो इष्ट है वो गौ माता है। अधिकांश लोग गौ माताओं को रोड पे छोड़ देते हैं। उनसे विशेष तौर से प्रार्थना करूंगा कि गाय को ऐसे सुनी न छोड़े। और सबसे ज्यादा स्थिति नंदियों की है। गाय माता को तो दूध के लोभ से भी रख ले, लेकिन नंदियों को जिस तरीके से हम बाहर भटकते हुए देखते हैं तो मन में पीड़ा होती है कि श्रावण मास लगते ही लोग महादेव की पूजा करेंगे और पत्थर के नांदिये पर दूध डालेंगे, फूल पुष्प चढ़ाएंगे और असली नांदिया रोड पर भटकता रहेगा। लोग उनके पीछे कुल्हाड़ा लेकर के दौड़ते हैं तो मन में पीड़ा होती है कि हम देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। चांद न बदला, सूरज न बदला, न बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। लोग कितने स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, गाय माता की तो आप उपासना करते हैं, गाय की तो सेवा भी करते हैं, पर उससे कई अत्यधिक सेवा की आवश्यकता है नंदियों की। मैं आह्वान करूंगा सब समाज के लोगों को, एक राजपुरोहित समाज गाय के लिए बहुत आगे आया है। जिस प्रकार से विष्णु समाज हिरणियों को बचाने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं विष्णु समाज, ऐसी प्रकार से गाय के लिए भी हर व्यक्ति को आगे आना होगा। उसमें एक राजपुरोहित समाज आगे आया है और कुछ राय का समाज, देवासी समाज भी गाय माता के लिए आगे आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जहां राजा राम जी महाराज, कृपा राम जी महाराज की सन्निधि में जो बैठ जाता है वो गौ उपासक जरूर हो जाता है। और यह हमें गाय का संदेश इस गौशाला से इसीलिए दिया जा रहा है। आइए महादेव को प्रार्थना करूं कि जल्दी ही नंदीश्वर की स्थिति ठीक हो और नंदियों की सेवा हो। महादेव कृपा करें। मेरा बोला है
भंडारी कर नांदी की असवारी शंकर नाथ रे भोले नाथ रे शंकर नाथ रे भोले नाथ रे दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए बोल शंकर भगवान की ताली से महादेव को बुलाइए
मांगड़ली गरड़ाई रे शिव थारा लेना में, मांगड़ली गरड़ाई रे बोला थारा चंद्र विराजे, शिव
थारी जटा में दंग विराजे, थारे मस्तक पे चंद्र विराजे, मस्तक पे चंद्र विराजे, नाग लपेट्यो गड़ में, नाग लपेट्यो गड़ में, बांगड़ ली कर लाई शिव थारा ने हाथ खड़ा करके बोलेंगे गौ माता की, शंकर भगवान की, हर 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 हर।
अगो कहीं करो करो चलो ढोक दे दे भाई ढोक दे दे मट जाओ लो मारा जो सत्संग सुन ले शंभू सत्संग सुन ले उकाड़ा क्यों करे भाई ढोक दे लगे बोल शंकर भगवान की ध्वनि हाथ खड़ा करके बोल भाई गौ माता की दादू जी महाराज की चलो ये क्या आयो थे सारा मतना लीजो देवता तुम मन भागनो पड़ जाओ बाप जी काई काई छाटो देता रहो थे भी सोया सोया क्या करे तो सोया ने आवे उन्हें हाथ खड़ा करके बोलो सोया सोया क्या करे तो सोया ने आवे यो काल सिराने आ गयो जू तोरण आ गयो बोल गो माता की अरे राजा सुतारे में लिखे ए माई तरसना जागी ओ जन मिल गया गोरख ए नाथ भरमणा ये चलता दिखे न चंद्रमा चढ़ती दिखे न बेल ये सं तो सुमिरता दिखे नहीं ये कुदरत का बोल गुरु महाराज की सूरज सूरज तपे धरती तपे मलरे ये पैदल चालिया भरतरी 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 जा कल क्या ललाड़ी रेख महादेव राजा भरतरी ये राजस्थान की भूमि पर ऐसे महात्मा हुए गोपीचंद भरतरी मामा भांजा लाग्या लाग्या बाण मारे शब्द गुरारा घायल होवे जारी है गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शब्दों के बाण लगे भरतरी जोगी हो गया सफल कमाई महाराज भरतरी थारी अरे ईश्वर के कारण जोग फकीर थारे
सारी ईश्वर के कारण जोग फकीरी राजा तारी, 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 तारी। जोग फकीरी राजा था मालिक के कारण जोग फकीरी राजा गोरख नाथ मूंद लिया खेला जन मिल गया गोरख नाथ मूंद चला 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 जो ये पिंगला मात
मदद करो जी मत दे रे भिक्षा दी जो ये पिंगड़ा मदद करो जी मत दे रे पकड़ियो हाथ प्रीत मत तोड़े राजा एक दिन पकड़ियो हाथ प्रीत मत तोड़े भजन का लहरी
जन गावे चरणा नाथ भजन काले थारी सफल कमाई माँ राज भरतरी थारी भरतरी थारी ईश्वर के कारण जो फकीरी राजा थारे हे मालिक के कारण जो फकीरी राजा थारे मस्ती है जे तो मस्ती में वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का मेरे देश यारो क्या कहना ये चोरी खाती वीरों की ये बोली सकले हीरो की या गाते रांझे रांझे बस्ती में बस्ती है देखो मस्ती में
फकीरी राजा थारे मालिक के कारण जोग फकीरी राजा थारी ईश्वर के कारण जोग फकीरी राजा थारी जोग फकीरी राजा थारी जोग फकीरी राजा दादू दयाल जी महाराज की समूह जति गुरु गोरखनाथ महाराज की सम वही आना चाहिए जहां समाप्ति होती है। भजन के बाद में सब नहीं आना चाहिए, भजन के साथ ही सब आना चाहिए, बाद में नहीं लाना, ठीक है। एक बार हमारे संगीत कलाकारों के लिए जोरदार ताड़ियां बजा दीजिए। और विशेष तौर से साउंड वाले के लिए एक बार जोरदार ताली। मुझे लगता है 10 बजने जा रहे हैं, हमें विणजारी गा दूं ताकि आप सब लोगों का जो है वो मन के मन में न रह जाए। मुझे कई लोगों ने बार बार कहा कि और गाओ न गाओ और विणजारी जरूर गाजो। तो शुरुआत करो। राम नाम की लूट है तू लूट सके तो, राम नाम की लूट है लूट सके तो अंत समय पछताएगा तेरा प्राण जाएगा। साबत बचो ना हो चक्की चाले तो चालन दे, चक्की चाले तो चालन दे पिस पिस में दा हो खूटा पकड़ो निज नाम का तेरा बालन बाका हो। ये थारो मनक जमारो अनमो है बाता थारी बीण जारी ए गुरु महाराज की।
किन चारिए किन चारिए तू राम राम को दादू राम बोल बाबा धन
जिने जारी ये तू हंस हंस को प्यारी जान को ले बाता कर बोल तू तो प्यारी प्यारी बो मिठी मिठी बोल तू तो प्यारी प्यारी बो जेने जारी है जेने जारी है जेने जारी है तू हड़वे बो ने पता खारी जेने जारी है तू हड़वे बो पता खार सुनना है एक और चलो एक भजन हम और सुनेंगे उससे पहले डायरी मैं निवेदन करूंगा स्वागत के लिए हमारे बीच में राम प्रकाश राम जी महाराज का प्रकाश दास जी महाराज का स्वागत करने के लिए निवेदन रहेगा बालकृष्ण जी पालीवाल जी एक भजन हम और सुनेंगे और बहुत आनंद रहे साथ में हाल ए लोग कहीं गए एक है हाल झटा तो खुली को नहीं आज आज गाठी बांध रहे हो भाई थोड़े खुल लो जा बालकृष्ण जी पालीवाल जी के द्वारा महाराज जी का स्वागत छोकाराम जी निवासी छोकाराम जी देवासी सुबह के सुबह यज्ञ योगा होगा समय रहेगा 5:30 बजे योगा में आप लोग पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे बीच में मुनि चंपालाल जी योगा करेंगे समय रहेगा उसका 5:30 बजे और 7 बजे साढ़े सात बजे यज्ञ का आयोजन है कल का यज्ञ इस प्रकार से होगा मुख्य आयोजन करता जा रहेंगे एक यज्ञ यहाँ एक और 11 यज्ञ ऐसे लगेंगे जिसमें आयोजक करता ही बैठेंगे जोड़े से आएंगे वो तो ठीक है उनके साथ में कोई आए हुए हैं वो साथ में बैठ जाएंगे तो इसी लाइन में लगेंगे ठेर तक कल का और परसों का 2 दिन का यज्ञ हम ऐसे कराएंगे जिसमें आयोजनकर्ताओं को लाभ दिया गया है और यहां से और भी नाम बोल दिया जाएंगे इसी प्रकार आयोजन करता ही बैठेंगे तो पुनः ये ध्यान दे छोकाराम जी देवासी
सोजत सिट्टी, सुरेश जी, सुरेश जी देवासी झूठा रायपुर हाल हैदराबाद। लमसम यहां सबको आदेश होता है और वो भेंट उनको अपना सतह स्वाभाविक, न किसी को कहना नहीं, आदेश हो गया और जिसका नंबर आ गया वो सेवा अपना आप कर देते हैं। तो श्री सुरेश जी देवासी झूठा रायपुर हाल हैदराबाद, भीम जी गांची जालोर हाल चेन्नई। यहां जैसे कथा पूरी होगी अगली कथा साउथ के अंदर है, गुरुकृपा सेवा समिति चेन्नई, गुरुकृपा सेवा समिति मदुरई, और ये पूरी एक महीने की साउथ की यात्रा है। भीमाराम जी चेन्नई से हमारे बीच में पहुंचे हैं और ठीक है, भीमाराम जी गांची जालोर हाल चेन्नई, भावेश जी प्रजापत डुंगरवा हाल बंबई, भावेश जी ये सभी आश्रम के शुरू से जुड़े हुए हैं आज नहीं काफी सालों से, और लमसम यहां जितने नाम है लमसम सबके प्रतिवर्ष उनके नाम रहते हैं। कुछ कुछ अभी थोड़े बहुत नए जुड़े, बाकी तो परंपरा से शुरू से जो जुड़े हुए वो वही हैं। श्री भावेश जी प्रजापत डुंगरवा हाल बंबई, श्री मालाराम लालाराम जी चौधरी बाटाडू, लालाराम जी चौधरी बाटाडू ये सभी आयोजन करता है, कहीं ना कहीं किसी का नाम रहता है। लालाराम जी चौधरी बाटाडू हाल सूरत, प्रतिवर्ष के लाभार्थी परिवार हैं। श्री महेंद्र जी जैन अड़ाई हाल दिल्ली, और साउथ में हमारे साथ में रहते ही हैं, एक महीने का प्रोग्राम साउथ में रहता है तो पूरा का पूरा उस प्रोग्राम में साथ में रहते हैं श्री महेंद्र जी जैन, और श्री माणक जी चौकड़ी हाल किशनगढ़। माणक जी वंदे मातरम, और मैं इस युवा को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा जिन्होंने अभी 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 एक कथा चौकड़ी में थी उस गौशाला के अंदर इनका बहुत बड़ा योगदान था। और लमसम आज से कितने साल पहले कथा एक साफा भी इनको पहनाएंगे, शायद कल इनको वापस, इनके कार्यकर्ता तो काफी यहाँ है। कुचामन के अंदर कुचामन कथा सुनी कितने साल सोनारी धरती अटे चांदी रो, बहुत सुंदर चौकड़ी से हमारे बीच में है और बहुत सुंदर कार्य आपका किशनगढ़ में है, और इनके माताजी भी पधारे हैं, पधार जाएं ऊपर, घर से भी आए हैं आज, क्योंकि इनको कल सुबह वापस निकलना है। इस आयोजन में एक आयोजनकर्ता भी है, पहले महाराज जी का स्वागत और एक सपा। सोनारी धरती अटे चांदी रो आसमान, विकाराम जी गुजर मारवाड़ दुदोड़ हाल हैदराबाद, रंगीलो रसवर, और इनका लमसम ओ प्यारो रा, बार बार निवेदन हुआ, फोन आया कि गुरुजी एक नाम तो सेवा में मेरा भी रखना, काफी नाम रंगीला उस समय बाद में आए इसलिए लिख नहीं पाए, नहीं हमारे जितने लिखने उतना पूरा हो गया था,
श्री भिकाराम जी गुजर प्यारो राजस्थान मारवाड़ दुर्दौड़। मैं निवेदन करूंगा साफा पहना करके हम स्वागत करेंगे श्री माणक जी चौकड़ी घर से भी पधर जाए। मीठा बोले मोरिया या प्यारा राजस्थान। माणक जी का ताली बजाते स्वागत करेंगे एक बार युवा है और श्री पुनाराम जी गिरधारी जी छोटू राम जी राजेंद्र जी किशनगढ़ से हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं इस युवा का इसलिए स्वागत कर रहा हूं कि छोटी उम्र में भगवान ने बहुत कुछ दिया है और अच्छे कार्य में भी लगा रहे हैं और बिल्कुल जमीन से उठे हुए हैं। शुरू से धनवान होते तो कोई सोचता, पर कुछ समय पहले आपने गुरु जी से शिक्षा ली दीक्षा ली और उसके बाद में भगवान ने कृपा की, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किशनगढ़ में इनका व्यवसाय है और गुरुकृपा आश्रम से भी आप सेवा में एक नाम आपका है। बहुत बहुत एक बार ताली बजाते पुनः स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत उस इनके साथ में चौकड़ी से आए हुए सभी भक्तों का स्वागत। आइए अविलंब कथा की धारा में हम लोग आनंद लेंगे। स्वागत तो जरूरी था, महाराज श्री खुद गौ माता की सेवा करते हैं, एक गौशाला आप चलाते हैं। संत अपने लिए कुछ नहीं रहते हैं, मत सोचना कि संतों को कुछ चाहिए। संत आनंद लेते हैं, आनंद देते हैं, लेने के लिए कुछ नहीं है, कुछ है जो जीवन देने के लिए है। और ये आनंद आप दे रहे हैं ये कोई कम थोड़ी है, जितना आनंद दे रहे हैं वो बहुत आनंद आप सब ले रहे हैं। श्री लाला राम जी पुनाराम जी पधार जाए, पुनाराम जी चौकड़ी से ये बहुत साल पहले से जुड़े हुए हैं। पुनाराम जी गुजर साहब सुबह है तो सही ना, गुजर साहब केला देवी जी अभी पधार जाए। आइए अब एक भजन का आनंद। महाराज श्री की इच्छा तो थोड़ा थोड़ा जीतू कह खड़ा पे नहीं बोले महाराज आनंद ले। एक आनंद लेंगे महाराज जी, वास्तव में आनंद ही अपने हृदय से बोलते हैं। कहीं भर्तरी का, कहीं गोरखनाथ जी महाराज का, ऐसे दिव्य संतों के वाणी को भी सुनाते हैं। आज के युग में वैराग्य हो और भक्ति को किस ढंग से आनंद लिया जाए वो महाराज से आप देखेंगे। कोई नाच रहा है गा रहा है, अपने मस्ती का कुछ आनंद कुछ अलग है। आइए अविलंब इन सभी भक्तों का स्वागत करते हुए जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मानिक जी मुझे मेरी माँ। आइए अविलंब महाराज जी के द्वारा फिर भजनों के आनंद के अंदर प्रवेश करते हैं। बोलो श्री दादू दयाल भगवान की, बोलो वेद लक्ष्मा गौ माता की। एक बार तेरा हाथ खड़ा करके गुरु महाराज की हो
से बुझा दूं, चूल्हा की आग हो तो पानी से बुझा दूं, मारा काल जारी मारा काल जारी आग बुझी कोने इतने चोड़ा राम बलई कोने घुमाते वारा बालाजी कमड़ कमड़ कोटो घुमाते 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 वारा बालाजी कमड़ कमड़ कोटो छोड़ा राम मिल को मारा करू बिना
ना जान दी गई को दे पेड़ो तो लगा दी जो बजरंग बाला जी गाय देवारू सादरी बाला गाय दुआऊ सादरी थारो थारे लडवारो भोग लगाऊ बजरंग बाला जी मारो बेड़ो तो मारो बेड़ो तो लगा जी जो पार बजरंग बाला जे हो बाला जी हे बजरंगे आलो तक आजा हनुमान बुलाते आलो तक आजा हनुमान तुझे मेरे राम बुलाते ओ लक्ष्मण के बचा लो प्राण ओ लक्ष्मण के बचा लो प्राण तुझे भगवान बुलाते आ आ आ आलो तक आजा हनुमान तुझे मेरे राम तुझे मेरे राम बुलाते तुझे भगवान बुलाते तुझे मेरे राम बुलाते करतल ध्वनि से महाराज जी का स्वागत करेंगे। बहुत ही आपने दो घंटे तक क्षमा बांधी और बहुत आनंद के साथ में सबको आनंद दिलाया, उसके लिए बहुत महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद। पुनः आप लोगों से प्रार्थना रहेगी, आश्रम आपका है, व्यवस्था आपकी है और जहां व्यवस्था मिले आराम भी करना है। और सुबह 5:30 बजे जो उठ करके पहुंच पाते जिनको योग की जरूरत है वो सुबह मां साहब मुनि जी चंपालाल जी योगा करवाएंगे। और 7:30 बजे कृपाराम जी यहां आएंगे और जिनका
आयोजक परिवार है वो 7:30 बजे तैयार होकर के आ जाए। जिनका नाम यहाँ है बोर्ड पर लगा हुआ है वो सभी आयोजनकर्ता वो यहाँ समय पर जो सेवा के लिए अपना अपना योगदान पहले नाम लिखा चुके हैं वो सभी 7:30 बजे जोड़े सहित हैं तो जोड़े सहित आ जाए, नहीं तो आपके साथ में कोई आया तो उसको भी आप एक मौका दे सकते हैं, जोड़ा नहीं है तो इस साइड में बैठेंगे, आई साइड में सामने और आगे ऐसे नहीं बैठेंगे, इधर और इधर जितना बैठ सक 11 जोड़े 11 नाम उसमें हवन के पीछे हैं नीचे वाले और मुख्य 2 या 3 आदमी ऊपर बैठेंगे, तो वो मैं नाम घोषणा यहाँ से कर दूंगा। सुबह रहेगा 7:30 बजे, उसके बाद में गो परिक्रमा होगी, उसके बाद में बाल भोग होगा यानी महाप्रसाद नाश्ता, जिन्हें जिन्हें नाश्तों को माने बेटे माणी बोली में बाल भोग कहे हैं तो बाल भोग होगा, उसके बाद में सेवा कार्य कल का विशेष है, यहाँ इस क्षेत्र में रहने वाले बहने भाइयों को भी प्रार्थना रहेगी, घर आपका है आश्रम आपका है सेवा भी आपको करनी है, बूंडो लागे तो महाराज रो की नहीं लागे थानो लाग जाला, आप कार्यकर्ता जो आश्रम में आए उनसे तो सेवा करने का भाव है क्योंकि आश्रम आपका है, आश्रम के नजदीक में रहने वाले भी हमारे ही परिवार हैं, वो पिछले साल भी उनका सेवा का योगदान उससे भी पहले सेवा का योगदान रहा है, कोरोना काल में तो इन लोगों से सत्संग बहुत हुई है, तो नजदीक रे क्षेत्र में मारे नेत्र इन क्षेत्र में रहने वाला लोग और बहुत अच्छे लोग हैं और जिनको लगातार 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने लगातार सत्संग और लाभ यहाँ लोगों ने मिलियो, इसके लिए मैं यहाँ रहने वाले भक्तों को भी बहुत बहुत ताली बजा के स्वागत करेंगे और नेत्रा रायकारी बासनी लेपरान इन क्षेत्र में जितना भी भक्त हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनका योगदान हमेशा रहता है और कल 2 दिन थाना रो योगदान भी जरूरी है क्योंकि यहाँ वाले या बाहर से आकर के सेवा करेंगे, नज़दीक वाले यदि सेवा नहीं करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, तो निवेदन आप लोगों से भी रहेगा। तो अब एक बार जय जयकार करते हुए सत्र को विराम देंगे, आज का सत्र आज कृपाराम जी अभी नहीं बोलेंगे, कल शाम को एक प्रवचन कल का भी है तो कृपाराम दिन को तो कथा है ही पर कल का एक सत्र शाम के समय और रहेगा जिसमें कृपाराम जी विशेष तौर से आप लोगों को उद्बोधन देंगे, एक बार जय जयकार करते हुए इस सत्र को हम विराम देंगे और जहां व्यवस्था है वहां अपनी अपनी व्यवस्था से विश्राम करेंगे, सुबह का समय विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, एक बार जय जयकार करते ही आप सब लोग अपने स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे, एक बार भाव से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए वेद लक्ष्मा गौ माता की, सब प्रस्थान करेंगे राम।